तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ पीएम विश्वकर्मा वेबसाइट पर जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनके वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने में कई तरीके के पेंडिंग रिव्यू शो कर रहे हैं। वहाँ पर रिव्यू में क्या है कि कहीं पर रिव्यू दिखा रहा है कि अभी पेंडिंग है प्रधान के पास, किसी में दिखा रहा है ईएलबी में भी पेंडिंग है, कहीं पर दिखा रहा है डीएम के पास है, कहीं डीसी के पास है, कहीं डीएफओ के पास है। तो आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आपका फार्म रजिस्टर होने से लेकर के और कहाँ कहाँ पर ये वेरीफाई किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर इसका रिव्यू होगा। अगर आपको एक बार ये सभी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि कहाँ कहाँ इसका रिव्यू किया जाएगा, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कब तक आपका फार्म फाइनली रजिस्टर्ड हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट यही प्रोसेस और पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपका फार्म रजिस्टर होने के बाद में किस किस के द्वारा रिव्यू किया जाएगा और कितना टाइम लगभग इसमें लग जाता है। सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने और सीखने को मिलेंगी, लेकिन वीडियो को आप इसके बिल्कुल मत करिए क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी है और आप लोगों के काम में ज़रूर आएगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जब आप इस फार्म में रजिस्टर करते हैं तो आपको पहला जो स्टेप दिखाएगा वो दिखाएगा रिव्यू पेंडिंग विद ग्राम प्रधान, ठीक है, या शहरी क्षेत्र से फार्म अप्लाई हुआ है तो ईएलबी दिखाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना जो फार्म है वो फार्म लेकर के जाना है ग्राम प्रधान के पास और वहाँ से उसका वेरिफिकेशन कराना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपके यहाँ पर जो नगर है तो वहाँ पर नगर पंचायत कार्यालय बना होगा, वहाँ पर भी ये फार्म आप लोग जमा कर सकते हैं। वहाँ से आपका पेंडिंग जो है वो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब अगला स्टेप आता है, जैसे ही ग्राम प्रधान या ईएलबी के द्वारा पेंडिंग हटेगा तो वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा डीएम या डीसी के पास, ठीक है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कमेटी। तो वहाँ पर ये पूरा फार्म आपका एक बार वेरीफाई फिर से किया जाएगा, फिर से इसको रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा कि जितने भी फार्म फॉरवर्ड करके आ रहे हैं ग्राम प्रधान से तो वो फार्म एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर वहाँ से आपका फार्म रिजेक्ट हो जाता है तब तो आपको उसे दोबारा से एडिट करके फिर से अप्लाई करना है, लेकिन अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपका फार्म फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वो फार्म आपका पहुँचेगा डीएफओ के पास, ठीक है। डीएफओ के पास जैसे ही फार्म आपका पहुंचता है, और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि डीएम के पास जो फार्म आपका पहुंचेगा तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा, इसके लिए आपको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें, बस इतना है कि अगर प्रधान के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है तो कुछ ही रेयर केस हैं जिनमें डीएम या डीसी के द्वारा वहाँ पर रिजेक्ट किया जाए, अदरवाइज वो वेरीफाई तो हो ही जाता है। रही बात टाइम की, तो टाइम अभी कुछ इसके बारे में कन्फर्म नहीं है कि वहाँ पर कितना टाइम लगता है, लेकिन प्रधान के पास से आप बहुत ही जल्दी करा सकते हैं, जितना जल्दी आप वहाँ पर खुद विजिट करें। लास्ट में स्टेप आता है डीएफओ का, जैसे ही यहाँ पर प्रधान का हो गया, उसके बाद में डीएम या डीसी का हो गया, उसके बाद जब डीएफओ के पास आपका फार्म पहुँचेगा तो डीएफओ के पास कुछ टाइम लगता है, ठीक है। डीएफओ का टाइम पीरियड जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और ये आप मान के चलिए कि इतना टाइम आपका प्रधान और डीएम दोनों के पास लगेगा, उतना टाइम आपका डीएफओ के पास लग जाएगा। और जैसे वहाँ से आपका फार्म सक्सेसफुली वेरीफाई किया जाता है, उसके वेरीफाई होने के बाद आपका सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हो जाएगा, आपका आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सेंटर भी अलाट किए जा चुके हैं जहाँ पर ट्रेनिंग होनी है। और जब आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए, आपका ट्रेनिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएँ, उसके बाद आप टूल किट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और टूल किट में ये है कि जो 15,000 रुपये हैं वो आपको ना तो ट्रांसफ़र करके बैंक के अकाउंट पे मिलेंगे, ना ही आपको कैश मिलेगा। आपका ट्रेनिंग का जो अमाउंट है वो तो आपको कैश में मिलेगा, लेकिन आपका जितना बाकी जो 15,000 रुपये टूल किट का है वो आप उस अमाउंट को किसी दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकते, उससे आप सिर्फ एक पोर्टल पर आप बाई कर सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको एज ए कूपन वो 15,000 रुपये मिलेंगे और वो तभी एलिजिबल आप हो पाएंगे जब डीएफओ के द्वारा इसे अप्रूव्ड कर दिया जाएगा। और अभी कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि कितना टाइम लगता है, लेकिन हाँ स्टेप जो हैं वो मैंने बता दिए हैं कि तीन स्टेप आपके फार्म के होंगे। पहला प्रधान या ईएलबी, दूसरा होगा आपका डीएम या डीसी, और तीसरा होगा डीएफओ। अगर इन तीनों जगह से आपका फार्म क्रॉस हो चुका है तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होंगे शायद, आई थिंक मेरे पास तो ऐसा कोई केस नहीं है जो अभी तक फुली अप्रूव्ड हो चुका हो। अगर आपके पास कोई ऐसा केस है तो उसके बारे में आप हमें ज़रूर जानकारी दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल नवीन सीएससी पर आप हमसे जुड़िए, संपर्क करिएगा, हम वहाँ पर आप मैसेज करिए, हम आपसे कांटेक्ट खुद करेंगे, ठीक है।
आज के इस वीडियो में मैंने जो जानकारी देनी थी वो दे दी है। उम्मीद है वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस तरीके के और भी वीडियोज अगर आपको आगे देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।